भाई आईफोन 15 प्रो का बैक ग्लास बहुत ज्यादा कमजोर है। इसका बैक ग्लास थोड़ा सा ही प्रेशर मारने पे टूट जाता है। इसका जो टाइटेनियम फ्रेम है ये कलर छोड़ रहा है। ऐसी बहुत सारी बातें सुन ली होगी इस फोन के बारे में, लेकिन मैं पिछले एक महीने से आईफोन 15 प्रो यूज कर रहा हूँ। तो भाई क्या है इस फोन का असली सच? इस वीडियो में अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊंगा, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, प्लस पॉइंट्स और माइनस पॉइंट्स सब मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो चलो करते हैं आईफोन 15 प्रो का ऑनेस्ट रिव्यू। तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके डिजाइन से, और यहाँ पे डिजाइन में कोई भी चेंजेस नहीं मिल रहे हैं आपको। जैसे आईफोन 14 प्रो मिलता था, सेम टू सेम उसी डिजाइन के साथ आईफोन 15 प्रो मिल रहा है। वही सेम तीन लेंसेस, वही लाइडर सेंसर, पीछे की तरफ पे मैट ग्लास मिल जाता है। लेकिन हाँ, इस बार इसकी बिल्ड क्वालिटी में चेंज किया गया है, जिसमें से सबसे मेजर डिफरेंस है इसका टाइटेनियम फ्रेम। डेफिनेटली जो टाइटेनियम फ्रेम है ये स्टेनलेस स्टील से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। और क्योंकि मैं पिछले 1.25 साल से एप्पल वॉच अल्ट्रा यूज कर रहा हूँ, जिसमें यही सेम टाइटेनियम फ्रेम है, और मैं कोई भी केस वगैरह यूज नहीं करता हूँ, यूज करता हूं, उसके बाद भी आप देख सकते हो एक स्क्रैच नहीं है इसके टाइटेनियम फ्रेम में। तो इस फ्रेम के ऊपर तो डेफिनेटली मुझे भरोसा है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर और लाइटर है। ऑब्वियसली इसी की वजह से इस फोन का जो वेट है ये लास्ट ईयर के आईफोन 14 प्रो से 19 ग्राम ज्यादा हल्का हो चुका है। और आपके आइडिया के लिए बता दूं, जो आप केसेस यूज करते हो थोड़े से हैवी वाले, वो लगभग 20 ग्राम के आसपास के होते हैं। तो आप ये समझ लो, इस फोन के ऊपर कवर चढ़ा दोगे तो इसका वेट आईफोन 14 प्रो के जितना हो जाएगा। तो मेरा इस टाइटेनियम फ्रेम के साथ जो एक्सपीरियंस रहा है वह बहुत अच्छा रहा है। ऑल्सो अब बात करते हैं उन लोगों की जो कि बोल रहे हैं इसका कलर छूट रहा है, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई कलर वगैरह नहीं छोड़ रहा है। आपने देखा होगा जैसे हम स्टेनलेस स्टील वाला आईफोन अपने हाथ में उठाते हैं और जैसे ही उसको थोड़ा बहुत यूज करते हैं तो हमारे बहुत सारे फिंगरप्रिंट वहां पे लग जाते हैं। सेम सिचुएशन यहां पे भी है, यहां पे भी जब आप फोन को यूज करते हो तो आपको ऐसा फील होता है कि हाँ ये कलर वगैरह उतर रहा है इस टाइप का, लेकिन जैसे ही आप इसको माइक्रोफाइबर क्लोथ से साफ करते हो तो ये पूरी तरीके से क्लीन हो जाता है। हाउएवर यहां पे एक चीज है, अगर आपने व्हाइट टाइटेनियम या फिर नेचुरल टाइटेनियम लिया है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप ब्लैक या फिर ब्लू कलर खरीदते हो तब वहां पे जो टाइटेनियम फ्रेम आपको मिलता है वहां पे आपको डार्क कलर की पाउडर कोटिंग मिलती है, जो कि वैसे तो आपको दिक्कत नहीं करेगी, लेकिन अगर आप किसी शार्प ऑब्जेक्ट से इसके ऊपर कुछ चला देते हो, यानी कि अगर आपने चाबियों के साथ अपना फोन रखा हुआ है उसके बाद अगर उसकी थोड़ी सी रगड़ इसमें लग जाती है, तब डेफिनेटली आपको इसकी जो पाउडर कोटिंग है यही निकलती हुई दिखेगी। और जैसे ही आप इस पूरी पाउडर कोटिंग को निकालोगे तो अंदर से आपको नेचुरल टाइटेनियम ही मिलेगा, क्योंकि भाई नेचुरल टाइटेनियम का कलर ऐसा ही होता है। तो जो कलर छोड़ने वाली बात सुनी आपने वो एक्चुअली आधी है। और इस टाइटेनियम फ्रेम के साथ साथ एक और चीज चेंज करी गई है यहाँ पे। आईफोन 14 प्रो आपको पूरा पूरा फ्लैट एजेस के साथ मिलता था, जिसके जो कॉर्नर्स होते थे वो भी शार्प कॉर्नर्स होते थे, लेकिन आईफोन 15 सीरीज के जो कॉर्नर्स हैं इनको मोल्डेड कर दिया गया है, यानी कि है तो ये फ्लैट एजेस, लेकिन यहाँ पे आपको हल्का सा कर्व देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से इनहैंड फील बहुत प्रीमियम लगती है और फोन थोड़ा सा ज्यादा पतला लगता है। हालांकि फोन की थिकनेस आप देखोगे तो 1 mm से बढ़ा दी गई है, लेकिन फिर भी अगर आप हाथ में उठाते हो तो ये बहुत ज्यादा पतला फील होता है। अब बात करो इसके बैक ग्लास की, तो काफी सारे लोग बोल रहे हैं भाई इसको आप हल्का सा भी बेंड करोगे तो उसका बैक ग्लास क्रैक हो जा रहा है। जेरी रिक की वीडियोस काफी ज्यादा मार्केट में चल रही हैं, उसमें 15 प्रो मैक्स को वो एक बार में तोड़ देता है, जब 15 प्रो की बारी आती है तो उसको पसीने निकल आते हैं, लेकिन वो बैंड टेस्ट में टूटता नहीं है। काफी सारे इंडियन यूट्यूबर्स ने भी 15 प्रो मैक्स के ऊपर बैंड टेस्टिंग करी है और 15 प्रो मैक्स के ऊपर भी कोई भी फर्क नहीं पड़ा। पता नहीं जेरी रिक भाई क्या पहन के बैंड टेस्ट करते हैं। मतलब नॉर्मली ये फोन आपसे बैंड नहीं होने वाला है, इतना तो श्योर है। लेकिन यहाँ पे मैं एप्पल का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, जो ऑनेस्ट रियलिटी है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपको मेरे नेक्स्ट पॉइंट से ही पता चल जाएगा। मैं फिर भी बोलूंगा ये फोन आपके लिए नहीं है अगर आपके हाथ से फोन बहुत ज्यादा गिरता है तो, क्योंकि सेम टेस्ट HFV अनबॉक्स ने किया था, एवरीथिंग एप्पल प्रो ने किया था, और इन्होंने भाई वेस्ट हाइट से अपने फोन को गिराया और इनका फोन चूर चूर हो गया था, और ये 15 प्रो 15 प्रो मैक्स दोनों की बात है। तो अब सोचने वाली बात है कि भाई इसकी बिल्ड क्वालिटी एक्चुअली कम कर दी गई है, तो देखो ऐसा नहीं कि इसकी बिल्ड क्वालिटी कम कर दी गई है। बेसिकली इसका जो बैक पैनल रहता है इसके पीछे काफी सारे कंपोनेंट लगे हुए रहते हैं, आईफोन 14 प्रो की बात कर रहा हूं। तो जब भी आपका बैक ग्लास ब्रेक हो जाता था आपको 52,000 रुपीस एक्स्ट्रा देने पड़ते थे इस ग्लास को चेंज करवाने के लिए। तो इस कॉस्ट को कम करने के लिए एप्पल ने इसके जो कंपोनेंट्स थे उसको बैक पैनल से निकाल के और डायरेक्ट इसके फोन के इंटरनल कंपोनेंट्स में जोड़ दिया है, जिसकी वजह से अब बाय चांस आपका फोन अगर ब्रेक होता है तो उसको आप सिर्फ 15,000 रुपए पे करके चेंज करवा सकते हो, जिसके लिए पहले 50,000 प्लस रुपीस आपको देने पड़ते थे। तो डेफिनेटली ये एक एडवांटेज हो जाता है, लेकिन इसी की वजह से आपका जो फोन है ये थोड़ा सा कमजोर तो हो गया है, क्योंकि जो पहले कंपोनेंट्स लगते थे उसके ऊपर मेटल की प्लेट लगती थी, जिसकी वजह से इसका ग्लास जो है मजबूत रहता था। अब वो प्लेट ग्लास से निकल के इसके इंटरनल कंपोनेंट्स में चिपक गई है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको हल्का सा पोलापन समझ में आएगा, और यही रीजन है कि ये इतना जल्दी ब्रेक हो जा रहा है। तो भाई डेफिनेटली इस फोन को यूज करने के लिए एक केस का यूज तो जरूर करना, नहीं तो भाई 15,000 रुपए पे करने पड़ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मिल जाता है एक्शन बटन, जिसको आप कस्टमाइज कर सकते हो अलग अलग टास्क करने के लिए, लेकिन मैं पर्सनली इसको साइलेंट बटन के जैसा ही यूज करता हूँ, तो मेरे लिए इतना बड़ा अपग्रेड नहीं रहा है। बाकी इसके नीचे टाइप सी 3.0 मिल जाता है, इससे आप फोन को फास्ट चार्ज तो नहीं कर सकते, लेकिन इससे आप अलग अलग एक्सेसरीज कनेक्ट कर सकते हो, SSD वगैरह कनेक्ट कर सकते हो, जिसकी हम बाद में बात करेंगे। चलो बात
लेते हैं इसके डिस्प्ले की, तो भाई इसका डिस्प्ले आपको सेम टू सेम iPhone 14 Pro के जैसा ही मिलता है। कोई भी यहाँ पे डिस्प्ले में ऐसा इंप्रूवमेंट नहीं है, सेम वही रेजोल्यूशन, सेम वही ब्राइटनेस, सेम सब कुछ वही मिल रहा है। बस यहाँ पे आपको एक छोटा सा इंप्रूवमेंट मिल जाता है कि इसकी जो चारों तरफ की बेजल्स हैं ये आपको 14 Pro के कंपैरिजन में बहुत पतली मिल रही हैं, जिसको कि आप साइड बाय साइड गौर से नोटिस करोगे तब समझ में आएगा। ऐसे अगर आप iPhone 14 Pro से 15 Pro में भी आ जाओगे तभी आपको थोड़ा बहुत समझ में आ सकता है, बाकी इतना कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं है। जस्ट आपको यहाँ पे व्यूइंग एरिया हल्का सा ज्यादा मिल रहा है एज कम्पेयर टू iPhone 14 Pro। बाकी जो डिस्प्ले है ये एक्जैक्टली सेम है और डिस्प्ले से कोई कंप्लेन नहीं है, बहुत कमाल का डिस्प्ले है। अब अगर इसकी चिपसेट की बात करूं तो यहाँ पे आपको मिलती है A17 Pro चिप, जो कि भाई बहुत ही सारा पावरफुल चिपसेट है। हमने iPhone 14 Pro Max और 15 Pro Max को कंपेयर किया था, तो उसका कंपैरिजन आप जाके देख सकते हो, वहां पे हमने अलग अलग टास्क वगैरह रन करके देखे थे, तो वहां पे हमें एक्चुअल इतना बड़ा डिफरेंस नहीं मिला था। और हमने तभी आपको बताया था कि अभी इसमें रे ट्रेसिंग आना बाकी है, मतलब कि रे ट्रेसिंग के जो एप्लीकेशंस हैं वो आना बाकी है। और भाई लकीली ऐप स्टोर में अब आपको अवेलेबल है रे ट्रेसिंग वाले एप्स, जो कि भाई बहुत ही नेक्स्ट लेवल आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है। मतलब भाई वही सेम गेम प्ले जो कि आप प्ले स्टेशन में करते हो, अब आपका iPhone 15 Pro या 15 Pro Max ये गेम आपके फोन में आपको खेलने के लिए अवेलेबल करवा रहा है। मेरे हिसाब से भाई जितने भी गेमर्स हैं उनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है, तो डेफिनेटली ये रे ट्रेसिंग गेम चेंजिंग थिंग हो जाती है। इसके अलावा अगर आप BGMI वगैरह खेलते हो तब तो आपको डेफिनेटली इतना कुछ खास डिफरेंस नहीं मिलेगा iPhone 14 Pro के कंपैरिजन में, बाकी ये है यहाँ पे रे ट्रेसिंग आपको एक्स्ट्रा मिल रही है। इसके अलावा अगर कुछ एडिशनल बेनिफिट की बात करूं तो वो मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखा, सेम टू सेम ऐप ओपनिंग क्लोजिंग वगैरह सब कुछ सेम है, ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है वो हल्का सा माइनर सा स्मूथ बोल सकते हो आप, लेकिन ऑनेस्टली बताऊं तो सेम ही है। अब नेक्स्ट बात करूं कैमरास की, तो भाई कैमरास में डेफिनेटली आपको iPhone 14 Pro के कंपैरिजन में काफी सारे चेंजेस मिल रहे हैं, जैसे कि अब आपको 48 मेगापिक्सल वाले लेंस में अलग अलग जूम लेंस सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। इसी के साथ आप नॉर्मल फोटोज को क्लिक करके उसको कन्वर्ट कर सकते हो बाद में पोर्ट्रेट फोटोज में, जो कि मेरे हिसाब से बहुत कमाल की बात हो जाती है। लेकिन जो सबसे प्रो फीचर मिल रहा है आपको iPhone 15 Pro में वो है एस लॉग रिकॉर्डिंग। अगर आपको एस लॉग के बारे में नहीं पता तो वो थोड़ी सी ग्रे एंड ब्लैक कलर की फुटेज होती है, ये बेसिकली मूवीज वगैरह के लिए या फिर जितने भी आप बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स देखते हो उनके लिए यूज करी जाती है। जैसे कि मेरा अभी कैमरा है, ये कैमरा भी एस लॉग में रिकॉर्ड कर सकता है, और जितने भी प्रो वीडियोग्राफर्स रहते हैं वो एस लॉग का ही यूज करते हैं और उसको बाद में कलर ग्रेड करते हैं। तो ये चीज अब आपको आपके iPhone 15 Pro में अवेलेबल करवाई जा रही है, जो कि मेरे हिसाब से भाई बहुत बड़ी बात हो जाती है। मतलब भाई ऐसे आपको करीब 2-3 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे एस लॉग में रिकॉर्ड करने के लिए, और ये सेम फीचर आपको आपके iPhone में मिल रहा है। मेरे हिसाब से ये वीडियोग्राफर्स के लिए भाई बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। हालांकि इसके लिए आपको एक्सटर्नल SSD लगानी पड़ेगी, क्योंकि वो जो फुटेज रहेगी वो बहुत हैवी साइज के साथ आएगी, और अब आप iPhone 15 Pro में अपने SSD में डायरेक्ट रिकॉर्ड कर सकते हो, जो कि मेरे हिसाब से अनदर एडवांटेज हो जाता है। इसके अलावा अगर फोटोज की बात करूं तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली काफी इंप्रूव्ड HDR मिल रहा है। अब यहाँ पे एक चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा, जैसे ही आप बहुत ज्यादा हैवी रिकॉर्डिंग करते हो, आउटडोर में रिकॉर्ड कर रहे हो, सनलाइट में रिकॉर्ड कर रहे हो, तब भाई डेफिनेटली इस फोन में आपको हीटिंग का इशू देखने को मिलेगा। और ये फोन जब आया था iOS 17 के साथ तब तो भाई बहुत सारे डिवाइसेस में हीटिंग का इशू हो रहा था, लेकिन मैंने अराउंड 5 डिवाइसेस मंगवाया iPhone 15 के और मेरे को एक भी फोन में दिक्कत नहीं हुई। ये मेरा दूसरा iPhone 15 Pro है, पहले मैंने व्हाइट कलर वाला मंगवाया था, अब मैंने नेचुरल टाइटेनियम वाला मंगवाया। दोनों ही फोन्स में, इवन 15 Pro Max में, किसी में भी मेरे को हीटिंग का किसी भी टाइप का इशू नहीं हुआ है। और जिन भी लोगों को इशू हो रहा था, सॉफ्टवेयर अपडेट, 2 सॉफ्टवेयर अपडेट रिलीज करे हैं एप्पल ने और उसके बाद वो जो इश्यूज है वो सॉल्व हो चुके हैं, तो यहाँ पे जो हीटिंग वाली इशू थी ये प्रॉपर कंप्लीटली सॉल्व हो चुकी है, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, काफी सही तरीके से काम कर रहा है। बात करें उसके साउंड की, तो उसका साउंड थोड़ा सा ज्यादा बेसियर फील होता है, फोर्टीन प्रो के कंपैरिजन में ये हल्का सा दबा हुआ फील होता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि आपको बेस थोड़ा सा ज्यादा मिल रहा है तो वहाँ वो चीज एडजस्ट हो जाती है, तो साउंड के मामले में कोई भी कहीं से भी दिक्कत नहीं होने वाली है। बात करूं बैटरी लाइफ की, तो भाई ये मुझे 6-7 घंटे का ऑन एन एवरेज स्क्रीन ऑन टाइम प्रोवाइड करता है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इनफ है। अगर नॉर्मल यूज करते हो तो ये 1-1.5 दिन तक भी काम कर सकता है, यानी कि मतलब एक दिन आप मान के चलो 24 घंटे के आसपास आपको चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रात को चार्ज करते हो तो सीधा दूसरे दिन चार्ज करना पड़ेगा, लेकिन अगर थोड़ा बहुत हैवी यूसेज है तब हो सकता है एक दिन में आपको 2 बार चार्ज करना पड़े, और अगर लगातार हैवी टास्क करना है आपको तो ये अराउंड 5.5-6.5 घंटे के आसपास का हैवी गेमिंग का बैटरी बैकअप दे देगा। बेसिकली ये डिपेंड करता है आपके यूसेज के ऊपर। ओवरऑल मैं अपना रिव्यू दूं बैटरी का, तो काफी डिसेंट बैटरी है, ऐसे प्रो मैक्स जैसे बहुत हैवी बैटरी नहीं है, लेकिन अगर आपने पहले 14 प्लस यूज किया है फिर अगर 15 प्रो में आते हो तब डेफिनेटली आपको बैटरी बैकअप काफी कम लग सकता है। तो गाइस इस वीडियो में मैंने आपको काफी सारे पॉजिटिव पॉइंट्स बताए, काफी सारे नेगेटिव पॉइंट्स बताए, जैसे कि भाई इसका बैक पैनल, सच में मुझे काफी ज्यादा डर लगता है इस फोन को बिना कवर के यूज करने के, तो मैं कुछ अच्छे कवर्स का लिंक
लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाके परचेज कर लेना भाई। वो 100-200 वाले मत परचेज करना, 1.5 लाख रुपए पानी में चले जाएंगे। दूसरा, यहाँ पे आपको कोई फास्ट चार्जिंग नहीं मिल रही है। वही ये फोन करीब 50% चार्ज कर देता है 30 मिनट में और ओवरऑल चार्जिंग में करीब 80 मिनट ले लेता है। तो डेफिनेटली टाइप सी का आपको ऐसा फास्ट चार्जिंग वाला बेनिफिट नहीं मिल रहा है इस फोन में। तो गाइस ओवरऑल देखे तो फोन काफी अच्छा है, टाइटेनियम फ्रेम बहुत अच्छा प्लस पॉइंट हो जाता है, एस लॉग में रिकॉर्ड करना एक अनदर एडवांटेज हो जाता है, पीएस लेवल की गेमिंग करना एक अनदर एडवांटेज हो जाता है। तो डेफिनेटली भाई एप्पल ने काफी अच्छा काम किया है आईफोन 15 प्रो सीरीज के लिए भी। सिर्फ उसका जो बैक पैनल है वो काफी बड़ा माइनस पॉइंट हो जाता है जिसकी वजह से एप्पल को इतना ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। आप क्या सोचते हो आईफोन 15 प्रो के बारे में? क्या 1,35,000 रुपए लगाना इस फोन में वर्थ करता है या फिर नहीं? मुझे नीचे कमेंट्स में बताना। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि ऐसे और वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।